जनपद हापुड़ में थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव नवादा में ग्रामीणों को तेंदुआ दिखने के बाद दहशत बनी हुई है। ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर खेतों में घूम रहे हैं। तेंदुआ दिखाई देने की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। वन विभाग के गढ़ के रेंजर करण सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लेने के लिए रवाना हो गई। वन विभाग की ओर से पिंजरा लगाया जा रहा है। नवादा खुद में आज सूचना प्राप्त हुई, सुबह में ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र में एक तेंदुआ घूम रहा है। हमने अपनी टीम बनाकर वहाँ पे भेजी। टीम ने जो है जो पदचिन्ह है पदचिन्हों को ट्रेस करा, ट्रेस करके हमने वो अवगत करा दिया अधिकारियों को। अब जैसे भी किस चीज़ के हैं, किस जानवर के पंजे हैं, जो भी सूचना आएगी उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। वैसे पिंजरा लगाने की तैयारी की जा रही है। गांव प्रधान नवादा गंगाराम ने बताया कि इस दौरान ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर जंगल में जा रहे हैं। तेंदुआ ने इतना लंबा आतंक उठा रखा कि मेरे गांव के जितने नागरिक हैं बल्लम बूरी लेके डंडा लेके जंगल को निकलते हैं और कई कई आदमी एक से एक साथ होकर टीम में चलते हैं। हमें तेंदुआ से भारी लंबी दिक्कत है और वन विभाग को फोन करा हमने। वन विभाग वाले भी आए हैं और आज पिंजरा आ रहा है, पिंजरा लगवा कर उसको पकड़वा देंगे। फिलहाल वन विभाग की टीम ने पंजे के निशान लेकर अधिकारियों को भेज दिए हैं। वन विभाग की टीम क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही है।